डोरी पहुंच गई हमारे गांव में। हाँ बेटा भी मिल गया। हाँ। तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? बाबा मध्यमेश्वर जी की कृपा से सब लोग बढ़िया होंगे। तो मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में अपने ही होटल के सामने से शूट कर रहा हूँ। तो आज मेरी तैयारी है देवरा यात्रा बाबा जी के साथ साथ। तो आज का पड़ाव होगा हमारा गोंडार से और रांची का। तो चलो मैडम, मैं भी जा रहा हूँ भाई यात्रा में बाबा जी के साथ। जरा खर्चा पर्चा ले आओ, दे दो खर्चा देवरा का। ये दे दो भाई। कितना है खर्चा? 2500। हो जाएगी तुम्हें? पता नहीं, चार पाँच दिन की यात्रा है। बोलो। चलो हो जाएगा। तो ऊखी मोटी तो जा रहा हूँ मार्केट की तरफ ना, हो जाएगा ना। चलो खर्चा मिल गया, आप लोग भी मिलेंगे तो थोड़ा बहुत तुमको भी दे दूंगा। तो निकलते हैं अब है। इस रूट में चलने वाले मुसाफिर हम हमेशा हुए, लेकिन जो बाबा जी के साथ आनंद आ रहा है ना, वो कुछ बहुत ही मजे आ रहे हैं इस यात्रा में। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी देर विश्राम होगा भगवान जी का, उसके बाद चलेंगे। हम हैं अभी भीमसी गदेरा। रांची और गोंडार के बीच जो भीमसी गदेरे के बाद जो चढ़ाई पड़ती है लिंगड़ा वाली, जो चीड़ के पेड़ों का जंगल है, भगवान जी ने वो चढ़ाई क्रॉस कर दी। स्वागत के लिए उमड़ रही महिलाओं की भीड़। रांची गांव से पहले हम पहुंच चुके हैं और अब रांची गांव ही पहुंचने वाले हैं। देखिए रांची गांव की महिलाएं इस वाले झरने के करीब पहुंच चुके हैं।
वाले हैं रांची गांव में, तो रांची गांव के पंच लोग तथा भक्त तो रांची गांव की महिलाओं द्वारा मांगल गीतों के साथ भगवान बद्रेश्वर जी का भव्य स्वागत किया गया है। बच्चों द्वारा किसी प्रकार का यहां पे स्वागत के लिए सभी बच्चे बाबा जी के भव्य स्वागत के लिए उमड़ी रांची गांव की भीड़ कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल रही होगी। यहाँ पे चित्रपाल जी का मंदिर है, तो भगवान जी पहुंच चुके हैं रांची गांव में चित्रपाल जी के मंदिर में।
दिवारा यात्रा भगवान मधमेश्वर जी के साथ चलता है, तो कुछ इस प्रकार से हमारे भंडारे चलते हैं। देखिए पंच लोगों ने यहाँ पे भात बना दिया है, और ये हमारे बूढ़े वृद्ध बुजुर्ग हैं टीम के लीडर, और ये देखिए आगे सारे बच्चे लोग खा रहे हैं। और आज हैं हम माँ राकेश्वरी मंदिर के ठीक पीछे, हमारा जो भोजन का प्रोग्राम चल रहा है तो यहाँ देखिए, और नीचे कुछ बच्चे भी सज रहे हैं, अभी उनका भी कार्यक्रम चलेगा आगे, तो दिखाते हैं हम। तो ये देख लीजिए, ये सारे अपने ही देवरी बच्चे हैं, ये सारे देखिए पहचान लो इनको, अभी तो अंधेरा है ना रात को, इनमें दिन में भी इनकी शक्ल जरा देख लेना। ये तो ऐसा चलता है जी पंच लोगों का कुछ, ये देखिए सारे पंच लोग हैं, मिलन जी आज इन्होंने बनाया है दाल और भात है ना, और इनके हैं जो साथी और बनाने वालों में, ये ग्रुप है आज का जो कि पंच लोगों ने इन्हीं को नियुक्त किया होगा मेरे ख्याल से, ये यहाँ पे हैं इस समय, इन्हीं को हम इसका बताएंगे कि यही लोग हैं आज के खाने बनाने वाले। और कैसा इन्होंने बनाया, इन बूढ़े लोगों को पूछ लेते हैं, मेरा खाना कैसा बनाया बच्चों ने? बढ़िया बनाया ना, कोई दिक्कत नहीं, स्वाद भी अच्छा। देखो हमारे भोले बाबा मध्यमेश्वर जी की जो ये बरात चल रही है, तो कुछ इस प्रकार से खाली चावल ही खाना है हमको। कितने दिन तक खाना है चावल? 10 दिन तक चावल खाली, रोटी नहीं खाएंगे ना, बस भोग चावल का लगता है ना। हाँ जी, इसलिए चावल ही खाना पड़ता है, चावल ही खाएंगे। देखो बूढ़े लोग तो झूठ तो कभी बोलते नहीं है, फिर गढ़वाली कभी झूठ बोलते ही नहीं, तो ये कुछ इस प्रकार की सीन है। ये देखे चावल हमारे ये, और ये मैं भी खा लेता हूँ। है जी मेरे लिए ये रखा है आपने, देखो मेरी थाली भी तैयार है ना। तो प्यारे साथियों, ये यात्रा का दूसरा दिन है गोंडार से और रांची तक का। तो आज बाबा जी रुकेंगे माँ राकेश्वरी मंदिर रांची में, और इस मंदिर से जुड़ी बहुत सारी पुरानी कथाएं हैं, तो ये मैं आज नहीं सुनाऊंगा, समय आने पे ज़रूर यहाँ के बारे में भी बताऊंगा अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को। तो आज हम बाबा जी के साथ साथ यही मंदिर में रुकेंगे, तो बहुत ही दिनों क्या कि सालों बाद यहाँ पे मंदिर में आने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जबकि स्कूल भी मैंने यहीं पढ़ी है और मेरा ससुराल भी यहीं है, ससुराल यानी कि जो मेरे घरवाली का घर है तो वो भी रांची गांव में है। तो मेरे दोस्तों बाबा जी बैठ चुके हैं मंदिर के अंदर, और हम भी आज इसी मंदिर और इसी गांव में रुकेंगे। तो चलो वीडियो को एंड कर देते हैं, और कल की जो वीडियो होगी वो होगी यहाँ से और गिरिया तक की। तो मिलते हैं नेक्स्ट उसी वीडियो में आपसे, तो चलो थैंक यू, बाय बाय।